जाए और आगे हम देखेंगे आज, क्योंकि आपको सबके जहनों में ये सवाल थे उस दिन भी कि हम कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है। सो आज की जो ज़्यादातर स्लाइड्स हैं वो इसी ऑर्डर और इसको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन और इसी चीज़ों इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही बेसिकली बेस्ड है। व्हाट डू यू सी हियर रिटर्न के एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा हर रिएक्शन ज़्यादा कभी कभी जो ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई होती है वो हमारे किसी भी रिएक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कई दफ़ा हमें ये पता चलता है कि द ओवरऑल इक्वेशन जो होती है वो ये ओवरऑल इक्वेशन नहीं है, असल में ये नहीं है जो कि उस रिएक्शन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही हो, बट सम टाइम दैट रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग एज सिंपल सिंपली एज इट इज लुकिंग। वो इससे ज़्यादा स्टेप्स पे बेस्ड है। दो स्टेप्स जो उनसे उनको हम उसको हम कहते हैं द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, एन ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन डज नॉट टेल अस मच अबाउट हाउ रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन हमें क्या बताती है कि ये स्टार्ट कैसे हुई और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो क्या था। वो हमें जो बीच में हुआ था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मैकेनिज्म के थ्रू हमें मिलती है। इन मेनी केसेस द सम ऑफ सेवरल एलिमेंट्री स्टेप्स, यानी कि एक मैकेनिज्म जो सा है किसी भी एक ओवरऑल रिएक्शन का, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, दो भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एलिमेंट्री स्टेप्स। यानी कि ये एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या हैं, दे आर अ सीरीज ऑफ सिंपल रिएक्शंस दैट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन एट द मॉलिकुलर लेवल। यानी कि जो ओवरऑल पिक्चर है वो ये है, और असल में हमें पता चला कि मॉलिकुलर स्केल पे तो कुछ और सिस्टम के अंदर हो रहा था एंड द रिएक्शन इज नॉट एज सिंपल एज इट इज लुकिंग। कुछ और चीज़ें भी हो रही थी जो कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं आ रही थी, कि ओवरऑल रिएक्शन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या और इन अदर वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ ओरिजिन और फाइनल डेस्टिनेशन हमें बता रहा है, हमें जो बीच में जो हुआ उसके बारे में नहीं पता चल रहा कि वो क्या है। ठीक है ना, जिस तरह आप पिंडी से लाहौर जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि समबडी इज गोइंग टू पिंडी टू लाहौर फ्रॉम पिंडी, सो यू नो द ओरिजिन एंड यू नो द डेस्टिनेशन, बट बीच में क्या हुआ कि वेयर वॉट वर द अदर स्टॉप्स, जहाँ पे वो रुका, जहाँ पे उसने रेस्ट किया, या जहाँ पे कोई और किसी और शहर से गुजर के गया, वो जो है दैट इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब आ जाए द टर्म फॉर द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप दैट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नोन एज द रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये चीज जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। अब यही बात, हेंस द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंपेरेबल टू द रूट ऑफ ट्रैवल फॉलोड ड्यूरिंग द ट्रिप। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बात की थी कि जो पिंडी से लाहौर वाली, ये एग्जैक्टली वही बात थी। आगे हालांकि मेरे जहन में नहीं था कि मैं ये वाली एग्जाम्पल कहूँगी आपके साथ, लेकिन कई दफ़ा इस तरीके से समझना और समझाना आसान हो जाता है। जब आपको पता चल गया कि रूट जो होता है, शाबाश, कि जो रूट होता है आपके ट्रैवल का वो असल में आपका, जी, सामा क्या कह रहे हैं आप? तो जो रूट होता है आपका ट्रैवल का वो असल में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, और जो ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन होती है वो सिर्फ ये होता है कि जी ये पता है कि जी इस शहर से उस शहर में का। अब तो ये बड़ा आसान हो गया जी। इसने कुछ कहना है बेटा या मैं आगे चलूं? अच्छा, ये रिएक्शन जो उनका देकर आपको समझाया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, NO का मॉलिक्यूल है, बीच में इसके प्लस है, ये यहाँ से इस तरह मिस हुआ हुआ है। प्लीज़ बाद में जब आप कभी इसको देखिएगा तो याद रख लीजिएगा, मैं अभी इसको करेक्ट करके ही आपके लिए अपलोड करूँगी, लेकिन इफ़ आई फॉरगेट तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड के टू मॉलिक्यूल्स, ओके, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ या टू मोल्स ऑफ या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, गैस फेज रिएक्शन है, और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे आर फॉर्म्ड। तो देखने में तो बड़ा आसान रिएक्शन लग रहा है, लेकिन द एक्चुअल मैकेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के,
वो एक डाइमर बना रहे हैं N2O2 की फॉर्म का। और जो दूसरा इसका यानी कि ये पहला स्टेप भी एलिमेंट्री स्टेप है। व्हाट इज हैपनिंग इन द एलिमेंट्री सेकेंड एलिमेंट्री स्टेप के आपका वो जो डाइमर है इट इज रिएक्टिंग, देयर इज ऑल्सो अ प्लस ओवर हियर, समहाउ इट गॉट मिस्ड, प्लीज इसको देख लीजिएगा। इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना रहा है। तो ये जो पहला स्टेप है ये भी एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। और जो आपका और जो दूसरा आपका स्टेप है वो भी आपका सेकेंड एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। अच्छा, आप अगर आप इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप्स को देखें तो आप अच्छा ये अगर आप इसको देखें ना ओवरऑल रिएक्शन को, तो यहाँ पर तो ये आपको टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन लग रहा है सी। लेकिन जब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्री स्टेप्स को खोल के देख रहे हैं तो आपको ये भी बाय मॉलिक्यूलर नजर आ रहा है और ये भी आपको बाय मॉलिक्यूलर नजर आ रहा है जी। फिर दोस्त आपने कुछ पूछना है बेटा? आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अच्छा ठीक है जी, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, लिखा भी बड़ा क्लियर है। और अब तो मैकेनिज्म के बारे में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, उसको इतने आसान तरीके से बता दिया गया। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप, मैंने हर चीज इतनी क्लियर करके इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि जब आप इसको इस लेक्चर के बाद भी पढ़ेंगे और जब भी पढ़ेंगे आपके पास ये स्लाइड जारी पाता है महफूज हो जाएंगी। तो जो मैडम के वर्ड्स हैं वो आपके पास ही हमेशा रहेंगे, बिकॉज इतनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट ऑल दिस। ठीक है, द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में क्या हो रहा है कि दो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग टू फॉर्म अ डाइमर N2O2 मॉलिक्यूल। अगले में क्या हो रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्ट स्टेप यानी जो स्टेप नंबर टू था N2O2 और ऑक्सीजन जो होते हैं दे आर गिविंग टू मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, अब अगर इसकी जो नेट केमिकल इक्वेशन लिखनी हो, ये भी आप लोगों को यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस, तो आप स्टेप वन स्टेप टू को आपस में जारी बात है यू एड सब्ट्रैक्ट वाला जो जो आप करते हैं। सो व्हाट द एंटिटीज दैट यू सी ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड दीज आर द एंटिटीज दैट यू सी ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो लाइक टर्म्स जो सी हैं वो आपके लिए कैंसिल हो जाती हैं जी रिजवान। ठीक है, और आपके पास इस तरह ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाता है। अब आप ज़रा ये अगले वाले जो 4-5 पॉइंट्स है लेट्स सी what is written over here. Species such as N2 and O2 are called intermediates. In ऐसी species कुछ produce हुई हैं इस reaction के अंदर जो कि overall reaction equation के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने इसका root देखा mechanism देखा तो we found out कि ये कुछ species ऐसी बन रही थी जो कि overall नहीं थी लेकिन ये mechanism के अंदर appear हो रही थी यानी कि elementary steps के अंदर थी। इन स्पीशीज का क्या नाम है जो कि एक स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है और अगले ही स्टेप के अंदर वो यूटिलाइज हो रही है, दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ठीक है, वही बात जो मैंने की है, इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन एन अर्ली एलिमेंट्री स्टेप यानी पहले किसी भी स्टेप के अंदर बनेगा और जो भी अगला स्टेप आएगा। जी बेटा अरीबा, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? इज देयर अ स्पेसिफिक थिंग दैट यू वांट टू आस्क? अरीबा कोई खास सवाल है आपका? अरीबा अरीबा कोई प्रॉपर कोई सवाल है आपका कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही? तो ये स्पीशीज जो से इंटरमीडिएट्स के अलावा, बेटा आप बाकी सब के लिए क्लियर है? क्योंकि ये तो बहुत क्लियर एग्जांपल एक दी हुई है, इससे आसान कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास इस वक्त। सामना दिस फॉर यू एज वेल, इज अ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बेटा, माशाल्लाह MSc के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। ठीक ठीक शाबाश, गुड। आई एम वरीड अबाउट अरीबा, अरीबा ने दोबारा आंसर नहीं किया मुझे। हाँ आई नो दिस इज वेरी क्लियर।
तो इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट एन अर्ली स्टेप, यानी कि एक स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बनेगा और अगले स्टेप के अंदर. शाबाश, ठीक है, गुड गुड गुड, आई एम हैप्पी दैट एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग. अरिबा फिर भी अगर आपके पास कोई अच्छा डिस्क आ जाएंगी तो फिर कोई बात नहीं, शी कैन आस्क अगेन. तो उसके बाद जब आ जाए तो उनसे कहें मेरे से सवाल पूछ, कोई मसला नहीं. तो उसके बाद अगले ही स्टेप के अंदर वो यूटिलाइज हो जाता है. अब जो पहले मैंने बात की कि हर स्टेप जो सा है उसमें अगर आप देखें तो इट इज़ नोन एज अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि दो 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 इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो हर एलिमेंट्री स्टेप जो सा इट इज़ इन्वॉल्विंग टू मोलिकुल. अब क्या है, द रिएक्शन दैट हैज़ मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप. अब कोई भी एक रिएक्शन जिस तरह ये वाला था, ओवरऑल रिएक्शन इट इज़ कम्पोज ऑफ टू एलिमेंट्री स्टेप. द रेट लॉ कैसे डिटर्मिन करेंगे, फॉर द ओवरऑल प्रोसेस इज गिवन बाय द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. इनमें से कोई सा एक जो स्टेप है, एनी वन ऑफ दिस एलिमेंट्री स्टेप. टू टाइम्स बोलने ट्राई किया बट आई थिंक माइक्रोस्कोप का इशू है. बेटा आप लिख के मुझे अपना सवाल बता दो, प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर सो दैट उसको फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी. ये मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ उसके बाद. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनमें से कोई सा एक स्टेप जो सा है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होना चाहिए. और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, इट इज एक्चुअली द स्लोएस्ट स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू प्रोडक्ट फॉर्म्स. आई बात है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही ना, स्टेप वन स्टेप टू, और हो सकता है कोई और रिएक्शन हो जिसपे इससे भी ज्यादा हो. फिर क्या है, द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप शुड प्रिडिक्ट द सेम रेट लॉ एज इट इज डिटर्मिंड एक्सपेरिमेंटली. अच्छा, ये बड़े मजे की बात है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी काम करना, यानी कि लैब में रिसर्च करना. उसके लिए आपका पहले एक थ्योरेटिकल सारा नॉलेज होता है, वो थ्योरेटिकल काम करते हैं फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. तो ये भी बड़ा जरूरी है जब आप रेट डिटर्म यानी रेट लॉ बना रहे हों कि आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा या आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सारी एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए, तब आप यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि आपका जो रेट लॉ था वो सही आपने डिटरमिन किया हुआ है. ठीक है, जारी बात है आपने तो कोई रेट लॉ इस वक्त डिटरमिन नहीं करना, आप तो उन स्टेप्स को पढ़ने वाली सिचुएशन में है ना इस वक्त इन द क्लास. बट हो सकता है आप में से जब आप रिसर्च में से कोई काइनेटिक्स पे ही काम करना चाहे तो वो कोई ऐसा नया एक्सपेरिमेंट या कोई रिएक्शन डिराइव किया हुआ हो, तो उसके लिए फिर आपको ये सारे स्टेप्स जो है आपको ये करने पड़ते हैं. इफ दिस स्लाइड इज क्लियर कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो उनसे क्वेश्चन मार्क हैं कि फिर हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि ये जो दो स्टेप्स हैं कि एक इंटरमीडिएट का बनना और फिर अगले ही स्टेप के अंदर उस इंटरमीडिएट का यूटिलाइज हो जाना, ये अब हम देखते हैं कि ये किस तरह हमें रेट डिटर्मिन करने में हेल्प करता है. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. ये जो पिछला वाला जो स्लाइड थी जिसको रोका था वहाँ तक अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हम अपना रेट किस तरह हम निकालेंगे, विच ऑफ दो स्टेप्स इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. उसमें से एक पहला स्टेप था जिसके अंदर आपका डाइमर बन रहा था और जो दूसरा स्टेप था उसके अंदर आपका वो डाइमर जो सा था वो यूटिलाइज हो रहा था. सो आउट ऑफ दीज टू एलिमेंट्री स्टेप्स वन स्टेप शुड बी अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. ऐसा ही होना चाहिए ना, कोई पहला या तो स्टेप होगा या दूसरा स्टेप होगा. तो हम कैसे कंक्लूजन तक पहुँचे कि हमें हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए. और वो जो भी बात हो रही थी कि जी आपके पास आप थ्योरेटिकली पहले मालूम करें और फिर एक्सपेरिमेंटली आप डिटर्मिन करें और आपकी दोनों फाइंडिंग जो हैं वो मैच होनी चाहिए. तो वो जो थ्योरेटिकल तरीका है या क्या है उसकी ये डिस्क्रिप्शन जो सी है वो समझ लें, कुछ कुछ इस तरह दी हुई है. वो क्या है, एक थेरी कह लें या एक तरीका कार है विच इज़ नोन एज द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. यानी कि एक जो सा स्टेज पे मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो कि बताता है कि अगर आपके रिएक्शन मैकेनिज्म हो और उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हों और आपके पास कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो, जहाँ जिस तरह यहाँ पर ये एक स्टेरिक के साथ बताया हुआ है कि एक आपका कोई रिएक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि आपका कोई इंटरमीडिएट जो सा है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस टाइम पीछे आपका N2O2 डाइमर जो सा प्रोड्यूस हो रहा था. सो दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैन फॉर्म प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन. जिस तरह हुआ था कि दूसरे स्टेप के अंदर वो आपका N2O2 जो सा था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट NO2 जो सा है वो बना रहा था, ये वो वाली समझ लें बात. सो नाउ टू थिंग्स कैन हैपन टू दिस एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है, यानी कि दिस इज वॉट द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टेल्स अस
कि व्हेनेवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट विद इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, टू थिंग्स कैन हैपन टू दैट एक्टिवेटेड स्पीशी. नंबर वन कि एक तो वो अगले स्टेप के अंदर प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है, एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज उसके साथ ये हो सकती है कि वो एक्टिवेटेड स्पीशी जो सी है वो डीएक्टिवेट हो जाए. यानी कि क्या मतलब कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द प्रोडक्ट उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं रही थी, उसके बजाय ये क्या हो कि जो पहला रिएक्शन हुआ था यही बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दे और दोबारा आपके पास वही जो आपने स्टार्ट किया था रिएक्टेंट उसके पास पहुंच जाए. यानी कि एक कंडीशन ये है कि आपकी एक्टिवेटेड स्पीशी प्रोडक्ट बना दे और दूसरी आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक्टिवेटेड स्पीशी बनी है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, वो दोबारा डिकम्पोज या वो होकर डीएक्टिवेट होकर वो दोबारा आपके रिएक्टेंट्स बना दे. इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन नहीं हुआ, पहले केस में रिएक्शन हो गया और दूसरे केस के अंदर रिएक्शन नहीं हुआ. यू हैव अंडरस्टूड दीज टू स्टेप्स? यस मैम. अच्छा ठीक है, शाबाश. ठीक है, ये भी मैंने आपके लिए, ये वाली स्लाइड्स भी जो अगली दो हैं वो भी मैंने बहुत आसान करके आपके लिए बनाई है, इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ दैट यू विल अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियर. तो अब क्या है कि हमें ये पता चला कि हमारी ये जो रिएक्शन का जो एलिमेंट्री स्टेप्स थे इसके अंदर हमें ये जो हमारा एक्टिवेटेड स्पीशी है या रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है पिछली वाली स्लाइड के लिहाज से, ये इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका बनना डिपेंड ही इस पे करता है कि हाउ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बिहेव. अब ये प्रोडक्ट तब बनेगा अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो सा प्रोडक्ट बनाएगा, और ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो सा है वो डीएक्टिवेट हो जाए. सो व्हाट इज रिटन, बिकॉज ए इज एन एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्पीशी जो इंटरमीडिएट है, इट हैज लिटिल स्टेबिलिटी. ज़ाहिर बात है स्टेबल तो नहीं होगा. जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमें पता है, आपको अपने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के नॉलेज से भी पता होगा और आपने सारी केमिस्ट्री जितनी माशाल्लाह पढ़ के आए हुए बच्चे, ये पता होगा कि इंटरमीडिएट स्पीशीज स्टेबल नहीं होती. ठीक है, सो इट हैज लिटिल स्टेबिलिटी एंड शॉर्ट लाइफ टाइम, यही उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इट्स कंसेंट्रेशन इज नॉट ओनली लो बट प्रोबेबली फेयरली कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, क्योंकि वो स्टेबल भी नहीं है और शॉर्ट लिव्ड भी है, इसका मतलब है कि वो जूं ही बनती है साथ ही वो कंज्यूम हो जाती है. किस तरह, आइदर वो प्रोडक्ट बनने के लिए कंज्यूम हो जाती है या फिर डीएक्टिवेट होकर दोबारा रिएक्टेंट बना दे, इधर वे इट गेट्स कंज्यूम. ठीक है, शॉर्ट लिव्ड एंड लेस स्टेबल, सो दैट इज वाई इट्स कंसेंट्रेशन इज नॉट ओनली लो बट fairly constant, constant ही रही ना, क्योंकि वो जिस जो ही बनी साथ ही वो कंज्यूम हो गई. तो इस अप्रोक्सीमेशन को, दिस इज एक अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की ये एक तरह से डेफिनेशन है कि एक इंटरमीडिएट जब भी बनता है वो चूंकि एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्पीशी होता है, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो फॉरन प्रोडक्ट बना दे जो कि हम चाहते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि वो उसी एलिमेंट्री स्टेप जिससे वो बना था उसी से ही वो डीएक्टिवेट हो जाए. इस वजह से अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये जो डीएक्टिवेशन वाला स्टेप है इसके साथ जो रेट कांस्टेंट लिखा है वो -1 लिखा हुआ है. यानी कि यही वाला रिएक्शन जो K1 वाला था यही बैकवर्ड गया है और ये K1 का ऑपोजिट हुआ है, तो ये K-1 है. और जिस जिसके अंदर ये प्रोडक्ट बना है वो वाला स्टेप है जिसके साथ मैंने दूसरा रेट कॉन्स्टेंट K2 जो है जैसे स्टेप 2 वो लिखा हुआ है. तो ये जो -1 और 1 है इसको भी जरा प्लीज बच्चे गौर से देख रखिएगा अपने जहन में, क्योंकि ये वाले अगले वाली स्लाइड के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आ रही है. सो दिस इज बेसिकली द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन दैट व्हेनेवर एन एक्साइटेड स्पीशी इज फॉर्म इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन बिकॉज एंड दैट इज वाई इट्स कंसेंट्रेशन इज लो because as soon as it is formed it is consumed either in the formation of a product or getting deactivated back to reactants. ठीक है, let me move to slide number 3 4 sorry. अच्छा जी, आपको नजर आ रही है स्लाइड नंबर 4? अच्छा जी, ओके.
अच्छा जी, अच्छा परेशान ना हुई का बड़ी आसान चीज़ें हैं, सिर्फ वही जो सारी एक्सप्रेशंस थी उनको बस यूज़ किया गया है, कोई नई एक्सप्रेशन कोई कुछ चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं हुई। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस वक्त आप ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर जब आपके पास स्लाइड्स इंशाल्लाह जब ये आ जाएंगी तो आराम से बैठकर उनको अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, एक एक स्लाइड के ऊपर ये जो भी एक्सप्रेशंस हैं यू विल बी एबल टू डू देम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने खुद अपने हाथ से की थी और फिर इसके बाद यहाँ पर टाइप करके लिखी है, इसलिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ इस वक्त समझने की कोशिश करें कि है क्या चीज़। सो व्हाट इज रिटन ऑन स्लाइड नंबर 4, यानी कि जारी बात है सारी स्लाइड्स कंटिन्यूएशन में है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्टार। ये ए स्टार अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम लोगों ने ये देखना है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है या वापस डीएक्टिवेट हो रहा है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इज गिवन बाय द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार माइनस द स्टेप लीडिंग टू द रिमूवल, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है इसके, अब हमने इसका जो रेट है वो फाइंड आउट करना है पहले। अगर हमने अपने रिएक्शन ऑर्डर को निकालना है या फिर वॉन्ट टू नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट था इसका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज यही है ना, द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। तो ये जो रेट है इसका हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका जो रेट है वो जाहिर बात है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ऑन द रेट जिससे ये फॉर्म हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, फॉर्म होने के उसके रेट पे, ये वाला जो K2A* था, और दूसरा यानी कि सॉरी K1A*, इस वाला जो पहला वाला रिएक्शन था इसके थ्रू वो बन रहा था, ठीक है। एंड माइनस द स्टेप्स लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ A*, और माइन दो स्टेप से वो रिमूव हो रहा है, एक वो वाला स्टेप है जो डीएक्टिवेशन का है, ये वाला K-1 वाला, और जो दूसरा स्टेप है जिससे वो रिमूव हो रहा है वो जाहिर बात है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। सो अगर हमने इसका रेट फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, तो दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, द स्टेप्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन विच इज स्टेप नंबर वन, माइनस द स्टेप्स लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ ए स्टार, और जाहिर बात है दो तरीके से वो रिमूव हो रहा है, एक तो वो वापस डीएक्टिवेट होकर और दूसरा वो प्रोडक्ट बनाकर। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन दिस रेट ऑफ चेंज मस्ट बी जीरो। ओवरऑल तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि एक स्टेप में, एक स्टेज में वो बन रहा है और दूसरी स्टेज में वो रिमूव हो रहा है, तो जाहिर बात है जो उसका फॉर्मेशन और रिमूवल जोन सी है, जब उसका डिफरेंस लिया जाएगा तो वो जीरो ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम, क्लियर। ठीक है, हाँ शाबाश। थोड़ा सा आप लोगों से मैं इसलिए पूछ लेती हूँ ताकि मैं, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैम ये एक्सप्रेशन क्यों ले रहे हैं? बेटा ये इस वजह से हम एक्सप्रेशन उसामा ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन समझा रही हूँ। जब तक आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो उनसी है वो, चूंकि जब भी हम एलिमेंट्री स्टेप्स करते हैं उसके अंदर कभी ना कभी हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं, ठीक है उसामा, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस वजह से मैं अब जीरो वाली बात भी बताती हूँ। तो वो हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन भी आप अपने स्लोएस्ट स्टेप की वजह से मालूम करते हैं, दिस इज द रेट डिटरमिनिंग से। तो वी एक्चुअली वॉन्ट टू नो विच ऑफ दीज एलिमेंट्री स्टेप इज आवर रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वेदर इट इज द फर्स्ट स्टेप और इट इज द सेकेंड स्टेप। कीप दैट एग्जाम्पल इन माइंड जो हम पीछे अभी करते हुए आए हैं, ठीक है। तो हम असल में उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब ये डिटरमिन करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास जो आ जाता है बीच में इंटरमीडिएट, हम उसका, उसकी कंसेंट्रेशन, उसका रेट मालूम करते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि वो एक स्टेप में बनता है और दो तरीकों से वो रिमूव होता है। मैं जीरो बता देती हूँ, बिल्कुल जीरो वाली बात बिल्कुल बताती हूँ, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो हमें पता चला कि हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इस वजह से लगाएंगे कि ये तो एक नाम है स्टेडी स्टेट, क्योंकि उसकी स्टेडी सी हो गई ना कंसेंट्रेशन, बिल्कुल ऐसे बैलेंस सा हो गया। बैलेंस क्या था कि एक स्टेप में उसने बनना है और अगले स्टेप में उसने रिमूव होना है, उसके बनने का प्रोसेस तो एक है लेकिन रिमूव वो दो तरीकों से हो सकता है। मतलब इस केस में या तो वो वापस दोबारा रिएक्टेंट बन जाए, एक तो वो तरीका है कि डीएक्टिवेट हो जाए, जाहिर बात एक्टिवेटेड स्पीशी डीएक्टिवेट भी तो हो जाती है ना, और दूसरा क्या तरीका है कि वो प्रोडक्ट बना ले, जो कि अच्छा तरीका है क्योंकि उस तरह तो हमें रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ये जो पूरी बनना और उसका रिमूव होना, ये जो पूरी कहानी या प्रोसेस है,
इसको कहते हैं, इसको एक, इसके ऊपर जारी बात है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस पे लगाया गया. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लगाना जो है वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, जो कि दो साइंटिस्ट कह लें या फिजिस्ट कह लें, लेंडरमैन एंड हेंशलवुड जो थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. तो इस वजह से ये उनके नाम से भी है. ठीक है, अच्छा, उनके नाम से भी है. इस वजह से ये अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्टिवेटेड स्पीशी देखना है तो हम कहेंगे कि एक स्टेप में वो बना और माइनस द स्टेप्स इसमें वो रिमूव हुआ, बिकॉज देयर वर टू वेज इट कुड बी रिमूव. तो इस वजह से ये जो बाकी थे माइनस वन और के टू, ये इसके साथ माइनस लगा दिया गया. वाई जीरो इज रिटर्न, क्योंकि जाहिर बात है कि बनना और रिमूव होने का मतलब है कि इवेंचुअली वो फिनिश ऑफ ही हो गया, खत्म ही हो गया है. तो इसका मतलब है इस वजह से पूरी चीज को जीरो ले लिया गया है. ठीक है, और अगर आप लोग जाहिर बात है थोड़ी सी मैथ्स यूज करें तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये वाली जीरो इज इक्वल टू के वन, यानी कि ये मैं डी ए ओवर इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं क्योंकि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो कर दिया गया है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन हो कि जीरो इज इक्वल टू जी जी ये डेरिवेशन की गई है बिल्कुल जी, के वन ए स्टार सॉरी ए रेज टू पावर टू माइनस के माइनस वन ए स्टार माइनस के टू, इसको मैं अगर ले लूँ यहाँ जीरो से लेकर इसको और मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ए स्टार की कंसेंट्रेशन आ जाएगी. कुछ भी नहीं करें आप, जब आराम से घर बैठे बाद में इस लेक्चर के बाद तो आप बैठ के ये सब सॉल्व करेंगे तो ये आपसे आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली आपकी एक ही कंसेंट्रेशन आ जाएगी. अब हमने देखा कि हमारे पास पीछे, मैं एक सेकेंड पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ, ये वाली एक्सप्रेशन थी द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज इक्वल टू के टू ए स्टार. अब मैंने जो अगली वाली एक्सप्रेशन थी जिसके अंदर मैंने ए स्टार की वैल्यू निकाली है वो मैंने इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर डाल दी. देखा, मैंने इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ए स्टार की ये जो वैल्यू निकाली थी ये मैंने डाल दी है, तो मेरा जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो देखें वो इस तरह की कुछ फॉर्म में आ गया है. सी, एक रेट लॉ टाइप का कुछ मेरे पास डेवलप हो गया, के टू के वन. अब आपको समझ में आ रही होगी कि वो जो हमने शुरू की स्लाइड्स में किए थे, दे आर सिंपल रेट लॉज एंड दे आर कॉम्प्लेक्स रेट लॉज. कैन यू सी अ कॉम्प्लेक्स रेट लॉ फॉर्मिंग, कैन यू सी ओवर हियर, जिस तरह आपने वो एच बी आर की एग्जाम्पल मैंने शुरू की स्लाइड्स में दी हुई थी, आपने कहा था ये किस तरह आया. अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरह आ रहा है. शाबाश शाबाश जी, somebody from the boys side, रिजवान. Yes, ma'am. अब आपको समझ में आई, अब आपको पिछला वाला एच बी आर वाली बात भी बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि हमारे पास वो जो कॉम्प्लेक्स रेट लॉज हैं वो देखें किस तरीके से बन रहे होते हैं, इसलिए अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा. छोड़, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आसान. अब क्या होगा कि अब दो पॉसिबिलिटीज है, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हमें पता चल गया कि हमारा जो डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो ए स्टार पे डिपेंड कर रहा है, या वहां पर जो मैंने रियल एग्जांपल आपको दिया उसमें N2O2 के ऊपर या जो डाइमर था उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू लुक. लेकिन अभी भी हमारे पास बात जो सी है वो क्लियर नहीं हुई, अभी भी हम एग्जैक्ट जो फाइनल, यस, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्टार, ये हमने ए स्टार की जो वैल्यू, ये देखें ये जो ऊपर निकाली है ना जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वो हम लोगों ने इसमें डाल दी. जब हमने इसमें डाल दी तो ये हमारे पास बन गई, देखिए के टू अपनी जगह था और बाकी सारा कुछ जो है वो इस वाली एक्सप्रेशन से यहाँ. ठीक है, ओके, नाउ टू पॉसिबिलिटीज अराइज, क्योंकि दो ही तो पॉसिबिलिटीज थी. एक क्या पॉसिबिलिटी थी कि आपका जो ए स्टार है वो डीएक्टिवेट हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो आपका ए स्टार है वो प्रोडक्ट बना ले. तो वही जो दो पॉसिबिलिटीज थी ए स्टार के साथ जो होनी थी उन्हीं को ही अब इस वाली जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर लगाया गया है. अब आ जाए यहाँ पर, नाउ टू पॉसिबिलिटीज कैन अराइज. अगर क्या हो कि ए स्टार डीएक्टिवेट हो जाए यानी कि प्रोडक्ट ना बने और वो दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स बना ले, ए और ए क्या कहते हैं ए एंड ए, तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो रेट था माइनस वन वाला वो ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. जाहिर बात है डीएक्टिवेशन वाला जो स्टेप था वो ज़्यादा फेवरेबल होगा
विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा ही फिर मैं उसको लिखूंगी ना, अगर मैंने उस चीज को मैथमेटिकली बताना हो तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट, बिकॉज दिस इज द रेट फॉर द बैकवर्ड स्टेप जिसमें डीएक्टिवेट हो रहा है एंड दिस इज द रेट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो जाहिर बात है अगर वो ए स्टार डीएक्टिवेट हो रहा है तो ये जो माइनस के माइनस वन वाला स्टेप था वो ज्यादा पॉसिबल होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ये बात क्लियर है? मैम फॉर्मेशन वाला फेवरेबल नहीं. नहीं अभी हम लोगों ने दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे बेटा. पहले हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, सी नंबर वन, फिर उसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस लुक एट वन पॉसिबिलिटी, वन एट अ टाइम. ठीक है बेटा, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि क्लियर हो रहा है. ठीक है, शाबाश. तो हमें क्या है, सारी बात है, अगर हमारे पास वैसे एक्सप्रेशन को गौर से देखें, इतनी माशाल्लाह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एक दफा आप समझ जाएंगे तो आप जब भी अपनी बुक्स खोल के इससे भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस के जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी सारी जो रेट लॉज है उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. अब आपको कभी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अगर ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो जाहिर बात है ये वाला जो डीएक्टिवेशन वाला स्टेप था ये ज्यादा फास्ट है या ज्यादा पॉसिबल है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो हम क्या करेंगे कि इस, या फिर इन अदर वर्ड जारी बात है कि हम ये ए स्टार और ए स्टार दोनों अगर कैंसिल हो जाए यहाँ से, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके के माइनस वन ए इज ग्रेटर देन के टू लिख सकते हैं. तो मेरी ये वाली जो एक्सप्रेशन थी अभी जो ओवरऑल बनी थी ऊपर जिस पे भैया मेरा कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, ये मेरी कुछ इस शक्ल की बन जाएगी बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस. ऐसी बन जाएगी. गौर से जरा देखें कि ऊपर और नीचे में क्या फर्क आया, कि मैंने अपना K2 नहीं लगाया नीचे, K2 नहीं लगाया यहाँ पे जो K2 था, क्योंकि अब ये हट जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा स्टेप. K1, K-1 वाला स्टेप हो रहा है, तो K-1 वाला स्टेप जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया. और चूंकि इसके साथ भी A था और ये ऊपर A स्क्वायर था, तो एक A ऊपर वाले के साथ एक से कैंसिल हो गया. शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड. ठीक है, तो अब एक अगर ये वाला मैं स्टेप देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये जो सारे मेरे K1, K2 एंड K-1 है ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, तो इन सब की जगह मैं एक कॉन्स्टेंट्स भी एक कॉन्स्टेंट भी लिख सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ राइटिंग K1, K2 एंड K-1, मैं इन सबको मिलाकर K प्राइम या कोई एक कॉन्स्टेंट भी लिख सकती हूँ ना, कोई ऐसा मसला नहीं है. कई दफा आपने देखा होगा जी, मैंने ये बात पहले भी आपको शुरू की स्लाइड में बताई थी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आप एक कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं. तो फिर मेरा रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आप देखें कि ए के ऊपर पावर जो सी है वो वन है. ठीक है, सो इस तरह मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा. दैट इज हाउ आई केम टू नो कि ये मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन है. ठीक, इफ दिस इज क्लियर कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी. अब तो आपके लिए बिल्कुल ये ऐसे होगा जैसे छुट्टियों में आप कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट बना देता है तो फिर हमारी जोन सी है एक्सप्रेशन जोन सी है, शाबाश, फिर हमारा क्या होगा. फिर जाहिर बात है कि हमारा जो डीएक्टिवेशन वाला स्टेप है वो इतना पॉसिबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट वाला स्टेप. यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं इसको के टू को यहाँ भी लिख सकती हूँ और फिर मैं इसके साथ ग्रेटर देन लिख दूँ, तो मैंने उसके बजाय यहाँ पे लेस देन कर दिया है. तो मेरा k माइनस वन इज लेस देन k2. तो अब मैं क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ k माइनस वन मैं अपनी वो वाली जो एक्सप्रेशन है ये वाली, इसके अंदर अब मैं सिर्फ k2 लिखूंगी. k माइनस वन मेरा यहाँ सर यहाँ से हट जाएगा. जब मेरा k माइनस वन हट जाएगा k2 रह जाएगा, तो मेरा k2 k2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और मेरी एक्सप्रेशन आ जाएगी k1 a टू द पावर माइनस a टू द पावर टू. ये देखिए k1 a टू द पावर टू. ठीक है, और अब मेरा जो सा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो सा है वो क्या बन जाएगा, मेरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो बन जाएगा इस केस में. यहां तक बात क्लियर है? अब सही क्लियर हो गया. यस सुसामा, this was what I wanted. I wanted to spend a lot of time on this steady state principle ताकि आपको इसके through
सारी की सारी जो रेट लॉ और ऑर्डर और सब कुछ जो उनसे आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है। शाबाश शाबाश। अच्छा अब यहाँ तक अगर आपको, अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर जो है फिर किस तरह बनते हैं, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर होगा अगर उसको नाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाएगा कि अगर प्रोडक्ट बनना है तो फिर सेकेंड ऑर्डर होगा, और अगर डीएक्टिवेट होना है तो फिर वो आपका वो होगा। अगर आप, मैं यहाँ तक इस बात को छोड़ती हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं अपनी पिछली स्लाइड जो सी थी, जो हमने भी NO2 वाली एग्जाम्पल की थी, इफ यू कैन अलाउ मी कि मैं वहाँ पीछे जाऊँ और आपको यही वाली बात अब वहाँ पर अप्लाई करके जल्दी से बताऊं कि वहां पे हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, यस इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके, अब आप ये देखें कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पर जो, मैं ये बल्कि चाहूंगी कि आप लोग, अभी ब्रेक भी आने वाली है, तो आप लोग जरा, मैं जो बात आपको समझाऊंगी इसके बाद आप लोग मुझे ऑर्डर बताइएगा कि इसका क्या है। प्लीज किसी बुक शॉप को कंसल्ट ना करें, आई वुड बी हैप्पी कि जो बात मैंने आपको समझाई है या जो आपने इस वक्त सीखा है स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल से, उसके थ्रू मुझे इस जो रिएक्शन है इसका जरा ऑर्डर बताइएगा क्या है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, इसके अंदर एक स्टेप है जिसमें ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर वो इंटरमीडिएट जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिए भी स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लिखना चाहें तो कुछ ऐसा ही बनेगा, बट हमें कैसे पता चलेगा कि विच ऑफ दीज इज एन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट जिस तरह वहां पे भी हमें किस तरह पता चलेगा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा वाला है, वेदर इट इज द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन। अगर फर्स्ट वन है तो फिर जाहिर बात है फर्स्ट ऑर्डर होगा, और अगर सेकंड वाला है तो फिर वो जो सा है, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर होगा, और अगर फर्स्ट वाला है तो इट इज गोइंग टू बी द सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर देखें N2O2 इंटरमीडिएट का जो बनना है ना, दैट इज अ टीडियस प्रोसेस, यानी कि जब इस चीज का जो बनना, ये जो डाइमर है, ये जो सा है, अच्छा मैं बता दूंगी, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे ना शहबाज, तब मैं, अगर आप कहेंगे तो भी समझा देती हूँ, वरना अगर आप चाहेंगे तो ब्रेक के बाद आके भी मैं आपको समझा। तो ये जो उनसा है, दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। एक दफा जब ये डाइमर बन जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो ये फौरन इसके साथ रिएक्ट करती है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनने वाला जो स्टेप है, दिस इज अ फास्ट स्टेप एंड दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। सो स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो अब आप में से हो सकता है कोई अभी मुझे जुबानी ही बता दे कि इस वाला जो रिएक्शन था ये वाला रिएक्शन जो लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर ऑर्डर क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? शहबाज आपको तो क्लियर हो गई है बात है। यस 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 माई चिल्ड्रन, वेरी गुड वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल ठीक, शाबाश। यानी कि देखिए, अगर आप इस ओवरऑल रिएक्शन को देखते ना, तो आप यहाँ से प्रिज्यूम करते कि ये थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मोल ऑफ ऑक्सीजन। यस 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 यस, NO, बट दो एनओ है ना, ये देखें दो एनओ है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा शहबाज, अगर आपको तो बात फिर क्लियर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी अगर आप अभी समझना चाहें तो भी मैं बता देती हूँ, वरना ब्रेक के बाद आपको समझा दूंगी या भी समझा दूं। रोमा खाली एनओ नहीं होगा, क्योंकि दो मोल दो है ना, तो इस वजह से, ये देखें दो है तो इस वजह से, ठीक है दो है ना, एनओ एनओ, तो इस वजह से आप उसके ऊपर रेज टू द पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है ठीक है, हाँ मैंने देख लिया, ठीक है, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। अच्छी बात है कि आप लोगों ने और बड़ा अच्छी तरह से समझा, स्लाइड्स वर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक, 11:45 पे इंशाल्लाह विल रिज्यूम द क्लास।